हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन न्यूज़ पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के 10 ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जो वर्ल्ड फेमस है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आने वाला है श्रीनगर, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट में है। दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह शहर भारत के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। तो दोस्तों, श्रीनगर एक और डल झील के लिए फेमस है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे मंदिरों के लिए भी फेमस है। दोस्तों, समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा श्रीनगर परंपरागत कश्मीरी हैंडवर्क और ड्राई फ्रूट्स के लिए भी फेमस है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दोस्तों, श्रीनगर से कुछ दूर एक बहुत पुराना मारतंड यानी सूर्य मंदिर है। दोस्तों, यहां से कुछ दूर जाने के बाद अनंतनाग जिले में हमारे देवों के देव महादेव की वर्ल्ड फेमस अमरनाथ की गुफा भी है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिल स्टेशन के बारे में जो हमारी लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मनाली के बारे में। दोस्तों, मनाली समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जो कुल्लू घाटी के उत्तरी ओर के पास व्यास नदी की घाटी में बसा है। दोस्तों, प्रशासन की बात करें तो मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 30,000 है। यह छोटा सा शहर लद्दाख और वहाँ से होते हुए काराकोरम मार्ग के आगे तारिम बेसिन में यारकंद और खेतान तक के एक अति प्राचीन व्यापार मार्ग का शुरुआत है। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसे सप्तऋषि या सात ऋषियों का घर बताया गया है। दोस्तों, अगर मनाली विजिट करना चाहते हैं आप, तो मैंने आप सबके लिए मनाली की एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां जाकर आप मनाली की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि आप कैसे मनाली तक पहुंच सकते हैं और वहां कहां कहां पर आप घूम सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिल स्टेशन के बारे में जो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है। दोस्तों, नैनीताल भारत के उत्तराखंड स्टेट में बसा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय भी है। कुमाऊं एरिया में नैनीताल का विशेष महत्व है। दोस्तों, हमारे देश के इम्पोर्टेंट शहरों में नैनीताल को भी काउंट करा जाता है। दोस्तों, आज भी नैनीताल जिले में सबसे अधिक ताल हैं। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। दोस्तों, नैनी शब्द का मीनिंग है आँखें और ताल का मीनिंग है झील। बर्फ के बीच ढके पहाड़ों में बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे फेमस झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, नैनीताल समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के हिल स्टेशन के बारे में। दोस्तों, मसूरी हमारे भारत के उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। दोस्तों, मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से मसूरी 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां लोग बार बार आते जाते हैं। दोस्तों, ये हिल स्टेशन हिमालय माउंटेन रेंज के बीच हिमालय की श्रेणी में पड़ता है। दोस्तों, मसूरी समुद्र तल से 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। मसूरी गंगोत्री का एंट्री गेट भी है। देहरादून में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, यहाँ आप गन हिल, तिब्बती मंदिर, कैमल ब्रेक रोड, छड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल, कैम्प्टी फॉल, नाग देवता, मसूरी झील, वाम चेतना केंद्र,
सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ज्वालाजी मंदिर, क्लाउड्स एंड भी देख सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं उस जगह की जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर पर आने वाली है। दोस्तों शिमला जो है वो हमारे देश के हिमाचल प्रदेश स्टेट की कैपिटल भी है। दोस्तों शिमला उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। 1864 में शिमला को इंडिया में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाया गया था। राज के साथ साथ यह ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का हेडक्वार्टर और 1876 के बाद से पंजाब प्रांत की भी ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी थी। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। दोस्तों शिमला समुद्र तल से 2206 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर हर टाइम ठंडा मौसम ही बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप शिमला विजिट करना चाहते हैं तो मैंने शिमला के बारे में भी एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं और अपना शिमला ट्रिप की तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं उस प्लेस की जो हमारी लिस्ट में 6th नंबर पर आने वाला है। तो मुन्नार हमारे देश के साउथ के स्टेट केरला में पड़ता है। दोस्तों मुन्नार भी वर्ल्ड फेमस प्लेसेस में ऐड होता है। मुन्नार अपनी सुंदरता के अलावा अपने चाय के बागों के लिए भी बहुत फेमस है। दोस्तों मुन्नार समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। मुन्नार में आप मट्टुपेट्टी, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, चाय संग्रहालय और टी प्रोसेसिंग अथुकड़ फॉल्स भी देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस जगह की जो हमारे लिस्ट में 7th नंबर पर स्टैंड करता है। दोस्तों ऊटी तमिलनाडु स्टेट का एक बहुत ही सुंदर शहर है। कर्नाटका और तमिलनाडु की बॉर्डर पर बसा यह शहर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कोयम्बटूर यहाँ तक का निकटतम एयरपोर्ट है। सड़कों द्वारा यह तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा है, पर दोस्तों यहाँ आने के लिए कन्नूर से ट्रेन या टॉय ट्रेन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप वनस्पति उद्यान, ऊटी झील, डोडा बेटा चोटी घूम सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं उसके बारे में जो हमारे लिस्ट में 8th नंबर पर आने वाला है। दोस्तों दार्जिलिंग इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल का एक शहर है। यह शहर शिवालिक माउंटेन रेंज में लघु हिमालय में है। दोस्तों दार्जिलिंग समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों दार्जिलिंग की चाय इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। यहाँ पर आप सकिया मठ, मागडोग मठ, जापानी मंदिर, टाइगर हिल, घूम मठ, भूटिया बस्ती मठ, तेंजिंग्स लेगेसी, जैविक उद्यान, तिब्बतियन रिफ्यूजी कैंप, टॉय ट्रेन, चाय उद्यान का आनंद ले सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं उसकी जो हमारे लिस्ट में 9th नंबर पर आता है। दोस्तों कोडेकनाल भारत के तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचा तमिलनाडु का कोडेकनाल हिल रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको खुश कर देता है। पलनी हिल के बीच बसा यह प्लेस दक्षिण भारत का फेमस हिल स्टेशन है। सो दोस्तों अब बात करते हैं उसकी जो हमारे लिस्ट में सबसे एंड पर यानी 10th नंबर पर आता है। दोस्तों माथेरान मुंबई से मात्र 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यह भारत के महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। दोस्तों यह जगह समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। बड़े सिटीज से इसकी निकटता की वजह से माथेरान शहरी नागरिकों के लिए वीकेंड बिताने के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ की खासियत है कि यहाँ किसी भी टाइप के व्हीकल का आना मना है। यही वजह है कि यहाँ का एनवायरनमेंट मन को शांति प्रदान करता है। सो दोस्तों यह थी हमारे देश की वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशंस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने मन की बात मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं।
इसलिए वीडियो को देखने के बाद आपको जैसा भी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।